हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ये वेस्टर्न डिजिटल का ब्लू एसएन 550 1 टीवी वाला एसएसडी ड्राइव। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और इस मेरा इस पीसी में इसे लगा के देखते हैं। तो ये है वेस्टर्न डिजिटल 1 टीवी एसएसडी ड्राइव का बॉक्स पैक। तो जल्दी से चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। मेरे हाथ में है ब्लेड, तो ये खुल गया। अभी इसे खोल लेते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली है ये। तो इसके अंदर दिया गया है यूज़र मैनुअल। हर जो चीज़ मैं अनबॉक्स करता हूँ, ये मोटा मोटा जो यूज़र मैनुअल दिया जाता है, मैं लगभग सभी को पूरी तरीके से पढ़ता हूँ। आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं और ना चाहे तो ना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये है छोटा सा एसएसडी, कितना छोटा है देखिए। तो देख सकते हैं आप कितना छोटा सा है ये, इतना सा है, जस्ट इतना सा। पिक्चर में देख के लगता है ये लगभग इतना सा लंबा होगा, इतना मुझे लगता था लंबा होगा एक रैम की तरह, लेकिन एक रैम का ये आधा है, एक पीसी रैम का, मतलब डेस्कटॉप रैम का ये आधा है। तो अब इसे खोल लेते हैं। तो ये ओपन हो गया और ये है एसएसडी ड्राइव, एकदम छोटा सा। पीछे इसका कुछ नहीं है, जितना भी चिप वगैरह सा है सब आगे ही है। तो अभी इस पीसी में इसे लगा के देखते हैं। तो एसएसडी लगाने के लिए ये दो स्क्रू मुझे पहले खोलना पड़ेगा। ये एसएसडी का स्लॉट होता है, तो इसको पहले खोल लेते हैं। तो इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है आपको ये एसएसडी का स्लॉट खोलने के लिए। तो अगर ये परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। अब एसएसडी लगाने के लिए मदरबोर्ड के साथ ये दो स्क्रू दिए जाते हैं। ये इसके इसमें दो एसएसडी का स्लॉट है, इसलिए चार दिए गए हैं टोटल। तो दो मेरे काम में अभी लगेगा। तो यहाँ से एक स्क्रू और एक बेस सॉकेट में निकाल लेता हूँ और इसको ये तीन नंबर जगह पे जहाँ पे ये लगेगा एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं आपके कहाँ पे लगेगा, थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तीन नंबर में। तो ये लग गया हमारा एसएसडी। तो एसएसडी हम यहाँ पे लगा दिए। अब ये जो मदरबोर्ड के साथ ये जो हीट सिंक वाला आता है, इसको उतार के उसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पे एक स्टिकर होता है, इसको उठा के वहाँ पे लगा देंगे उसके ऊपर, ताकि एसएसडी हीट ना हो। तो चलिए अभी के लिए काम ख़त्म हो गया, ऐसे ही एसएसडी को लगाना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिया हुआ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।